इस महल के अंदर जो किया है, इस देश का नाम हवा महल है। बड़ा ही शानदार महल, देश विदेश से लोग उसको देखने के लिए आते हैं। लगभग 7वीं जिला है ये नक्की झील। ये राजस्थान का कश्मीर जिसे कहा जाता है, सिरोही जिला उसका एक क्षेत्र है, माउंट आबू उस पर ये झील स्थित है। इसके बारे में एक कहावत है कि इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर किया है और राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित ये झील है। इसके आगे है जल महल, ये उदयपुर में स्थित है और पहले तो ये सभी राजाओं का आवास हुआ करता था, पर आजकल इसको झील के अंदर एक हेरिटेज होटल के रूप में बदल दिया गया है। उदयपुर जाने पर ये वास्तव में बहुत सुंदर दृश्य बनता है इसको देखने पर। पूरी झील के बीच में महल है। चित्तौड़ दुर्ग जिसको जिसके बारे में एक कहावत है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। इसके बारे में कहावत है कि राजस्थान का सबसे बड़ा गढ़ है जो 84 दुर्गों में सबसे बड़ा गढ़ है। इसके बारे में ये कहावत होती है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। और इसी चित्तौड़गढ़ के अंदर एक दुर्ग और है जिसका नाम है कटारगढ़ का किला। उसके बारे में कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर तक उसको देखता है तो सर की पगड़ी तक गिर जाती है। तो ये चित्तौड़गढ़ बहुत ही फेमस है, आप कभी आना, बड़ा ही शानदार नजारा आपको देखने को मिलेगा। आगे आइए उदयपुर महल, ये भी नदी के किनारे बना उदयपुर का। तीसरा यह चित्र है तान पावड़ी, ये अब दोस्तों में बनी हुई है और ये बहुत ही देखा मैंने भी नहीं है पर देखने वाले लोग कहते हैं बहुत ही मनोरम दृश्य है इसका देखने में। उमेद भवन जोधपुर में बना हुआ है और ये राजस्थान का फर्स्ट हेरिटेज होटल है। पहले तो ये रजवाड़ों का हुआ करता था पर अब इसको राज्य सरकार ने हेरिटेज में ले लिया और राजस्थान का फर्स्ट हेरिटेज होटल है। जोधपुर का दुर्ग, इसे मयूर दुर्ग भी कहा जाता है। चिकियापुर नामक एक पहाड़ी पर ये स्थित है और इसे देखने के लिए इसके बारे में कहा जाता है कि इसको बनाने के लिए एक नर बलि दी गई थी। जोधपुर का दुर्ग हिस्ट्री में है ये कि नर बलि दी गई। आगे बीकानेर दुर्ग, इसकी स्थापना राव बीकानेर की थी। और रणथंभौर का किला, ये घनी वादियों से घने जंगलों के बीच ये किला है, एक अभेद किला है। दुश्मनों को आज तक इस किले के बारे में जरा भी भनक नहीं हुई क्योंकि अगर कोई आता तो इस किले तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि चारों ओर इसके जंगल है। तो ये इस दुर्ग की विशेषता की अभेद दुर्ग है। नेक्स्ट है जैसलमेर फोर्ट। जैसलमेर फोर्ट रेगिस्तान के बीच में बना हुआ बड़ा ही सुंदर किला है और उसको सोनार दुर्ग भी कहा जाता है। सुनहरे रंग का बना हुआ होता है, शाम के टाइम में जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो यह पूरा स्वर्ण रंग का दिखाई देता है। इस साल गर्मियों बारिश के टाइम में इस किले का एक कुछ भाग है दे गया है। आगे रणकपुर टेम्पल, रणकपुर जैन मंदिर है, इसको खम्भों का वन भी कहा जाता है और आज शायद शायद क्या भारत के जो जैन मंदिर है उनमें से सबसे भव्य मंदिरों में से एक मंदिर है। यह रणकपुर पाली में यह है विजय स्तंभ। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने मुगलों पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। पहले इसका नाम कीर्ति स्तंभ था, जैसे ही उन्होंने युद्ध जीता इसका नाम विजय स्तंभ बन गया क्योंकि विजय मिली इसके नाम पर इसको विजय स्तंभ कहा गया। हवा महल जिसके बारे में पहले हम चर्चा कर चुके हैं, दोबारा नारगढ़ फोर्ट ये भी जयपुर जिले में स्थित है और लगभग इसे देखने के लिए हमें पूरा लगभग आधा दिन चाहिए, इतना बड़ा ये नारगढ़ का फोर्ट है, बड़ा ही शानदार जो चीजें है इसके अंदर है। आगे का गागरौन फोर्ट, ये मध्य प्रदेश के नजदीक ही बना हुआ है, काली सिंध नदी के तट पर झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में। इसको जल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, नदियों के संगम पे बना ये दुर्ग बड़ा ही शानदार इसका नजारा देखने को मिलता है। ये है 84 खंभों की छतरी, इस छतरी में है कि 84 खंभों से बनी हुई है। आगे जंतर मंतर जयपुर, सवाई जय सिंह ने पूरे भारत के अंदर 5 वेदशालाएं बनाई थी। सवाई जय सिंह जयपुर के महाराजा थे
उन्होंने जयपुर नहीं पूरे भारत में 5 वेधशाला बनाई, इसमें सबसे पहला नंबर जो वेधशाला बनी वो जंतर मंत्र है, इस जो भविष्यवाणी है उससे संबंधित ये काम आता है, ज्योतिष शास्त्र से। यह केवला देव राष्ट्रीय उद्यान वर्ल्ड सेंचुरी यूनेस्को द्वारा घोषित वर्ल्ड सेंचुरी है, और इसमें यह जो पक्षी है साइबेरियन सारस, यह साइबेरिया रूस से उड़ के हर साल यहाँ पर आते हैं और उसी रूट से वापस आते हैं। वैज्ञानिकों का शोध है कि ये अपना रूट चेंज नहीं करते, इसी रूट से आते हैं, काफी लाखों सालों से ये आते जा रहे। पहले तो ये नहीं बना हुआ था भैया हजारों, तो बोल रहे हैं कि ये हर टाइम उसी टाइम से आते हैं और उसी टाइम से वापस जाते हैं। यह है स्टेट सिंबल रोएड़े का फूल, यह राज्य पुष्प, यह खेचड़ी, इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया है। ये जो नीचे देख रहे हैं ये घूमट नृत्य, शायद हमारे साथ में महिलाएं राजस्थान से नहीं आई थी, नहीं तो बहुत अच्छा होता है। और ये है दो जंगली जानवर ऊंट, इसको पालतू पशु श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। और ये है चिंकारा हिरण, इसको जंगली जानवर श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। राजस्थान के वीर योद्धा के लिए अब मैं समापन कर रहा हूँ। इससे पहले हमारे अनुज जी सर और कृपाल जी सर, उनके लिए एक शायरी है, परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर खामोश रहते हैं वो लोग जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक देशभक्ति गीत है चंदन है देश की माटी, और आप सभी को बताया मेरे साथ साथ आप भी गाओगे, और मंगेश भाई से मिलने देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है, जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, जहाँ कर्म से भाग्य बदलते शर्म निष्ठा कल्याणी है, जहाँ कर्म से भाग्य बदलते श्रम निष्ठा कल्याणी है, जहाँ त्याग तप की गाथाए गाती कवि की वाणी है, जहाँ त्याग तप की गाथाए गाती कवि की वाणी है, ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा निर्मल है अविराम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, इसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है, जहाँ के सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है,
जीवन का आदर्श यहाँ पर, जीवन का आदर्श यहीं पर, परमेश्वर का धाम है हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। थैंक यू, धन्यवाद।